अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स, और ये चिकन नगेट्स बना के आप कुछ अर्से के लिए इसे इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। चिकन नगेट्स हमें कैसे बनाने हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 मैंने ब्रेड के पीस लिए, जो साइड वाला पीस था ब्रेड के जो किनारे हमने कट किए थे उनके साथ मिला के इसे हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए। इसे अलहदा बाउल में निकाल लेते हैं। उसके बाद जो दो ब्रेड के पीस थे इन्हें भी हम क्रश कर लेंगे चॉपर में, और ये भी ब्रेड क्रम्स ये भी रेडी हो चुके हैं हमारे दो जो स्लाइस थे। और कोशिश करें कि ब्रेड ज़रा पुरानी हो तो उसके ब्रेड क्रम बहुत अच्छे बनते हैं, फ्रेश ब्रेड के क्रम्स इतने अच्छे नहीं बनते। और ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन का कीमा है, हाथ का ही बना हुआ कीमा है। इसे वॉश कर लिया मैंने और जल्दी में पानी निकाल दिया। इसे भी चॉपर में ऐड करेंगे उन ब्रेड क्रम्स के साथ जो दो स्लाइस हमने क्रश किए थे। इसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जो है ये सोया सॉस ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड दोबारा कर लेंगे, अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ये ग्राइंड हो चुकी है। अब हाथ को करेंगे ग्रीस और ये जो इसको अच्छी से डो की शक्ल में कर लेंगे, अच्छी डो की तरह गूंद लेंगे इसे। तो ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये डिफरेंट कटर है कुकी कटर, इनमें से कोई भी शेप आप ले लें, उसे अंदर से ग्रीस करें और इस तरह से आप नगेट बना सकते हैं। अभी ये मैंने स्टार शेप का बनाया, अब राउंड शेप में भी बना के बताती हूँ। कोई से भी शेप ले लें, बच्चों को जो भी पसंद आए या आपको पसंद हो। इसके अलावा हाथ से भी हम इन्हें बना सकते हैं, कोई भी शेप दे लें। ये नगेट्स की शेप दे रही हूँ मैं बिल्कुल बाजार की तरह। तो ये तमाम नगेट्स जो है रेडी कर लिए मैंने डिफरेंट शेप्स में, और अब इसकी कोटिंग की प्रेपरेशन करते हैं। एक अंडा फेंट लिए, 1 टेबल स्पून विच मिल्क ऐड किए, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और पहले अंडे में डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रम में रोल करेंगे। इसी तरह से तमाम जो नगेट्स हैं इनकी हमने कोटिंग कर लेनी है। ये तमाम नगेट्स की कोटिंग हो चुकी है। अब प्री हीटेड ऑयल में मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना क्योंकि ब्रेड क्रम्स एकदम से जल जाएंगे और अंदर से नगेट्स कच्चे रह जाएंगे। और ये चिकन नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।